दोस्तों आज हम बना रहे हैं कडले मनोली। कडले का मतलब होता है चना, मनोली का मतलब होता है टेंडली। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिया है 100 ग्राम चना। ये छोटी साइज का चना है, देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल ऐसे दिखता है। तो अब इसे मैं इस बर्तन में डाल दूंगी। डाल दिया, अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे। धोने के बाद हम इसे भिगो लेंगे। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास पानी और इसे ढककर हम रात भर या फिर 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि जो चना है वो अच्छे से फूल जाए, तो पकने में भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो 6 घंटा हो चुका है और ये देखिए हमारा चना बिल्कुल अच्छे से फूल गया है फ्रेंड्स। तो इससे क्या होगा, पकने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो अब मैं ये पानी फेंक दूंगी और इस चने को मैं इस कुकर में डाल दूंगी। अब हम इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसमें आपको और कुछ भी नहीं डालना, बस पानी ही डालना है। अब हम रबर, ढक्कन और सीटी लगा के इसे प्रेशर कुक करेंगे। बिल्कुल ऐसे लगा देना। अब आपको याद रखना है, 1 सीटी मध्यम आंच में और 2 सीटी धीमे आंच में। तो चलिए इसे प्रेशर कुक करते हैं। तो अब हमारा कुकर प्रेशर कुक हो गया है, तो मैं आंच बंद कर दूंगी और इसे 20 मिनट के लिए ठंडा होने छोड़ दूंगी। तो 20 मिनट हो चुका है, अब सावधानी से हम प्रेशर रिलीज करेंगे और सावधानी से ये जो सीटी है उसे ऐसे निकाल देंगे और बड़ी सावधानी से धीरे से ढक्कन खोल देंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा चना पक गया है। अभी हम ऐसे छन्नी से उठाकर इसे इस बर्तन में डाल देंगे और ये जो पानी है उसे फेंक देना, क्योंकि वो पानी अच्छा नहीं होता, तो उस पानी को फेंक देना। अब इसे मैं बाजू में रख दूंगी। अब चलिए हम टेंडली की ओर जाते हैं। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम टेंडली लिया है, इसे आईवी गॉड कहा जाता है। तो इसे मैं पहले तो अच्छे से धो लूँगी। धो लिया, अब हम इसे काटेंगे। तो आपको बस ऐसे एक टेंडली लेना है, इसके दोनों साइड्स को ऐसे हल्का सा काट लेना है, फिर इसे ऐसे रखकर बीच में से ऐसे काटना है। फिर अभी आपको ये जो टेंडली है इसे 3 टुकड़ों में, यानी कि टोटल 6 टुकड़ों में आपको ऐसे लंबाई में काटना है। 2 में मत काटिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। 3 में काटोगे तो पकने में भी आसानी हो जाती है। और ऐसे ही आप सारे टेंडली को काट लीजिएगा। तो मेरा सारा टेंडली मैंने काट लिया है, अब इसे हम इस बर्तन में ऐसे डाल देंगे। डाल दिया, अब इसे मैं स्टोव टॉप में रख दूंगी और इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास पानी, इससे ज़्यादा मत डालना। अब हम इसे ढककर मध्यम आंच में 12 मिनट के लिए पकाएंगे, सिर्फ 12 मिनट के लिए। और बीच में एक बार खोल के हम इसे मिलाएंगे। तो मैं बस एक बार ऐसे बीच में खोल रही हूँ और इसे हल्का सा मिला दूंगी। तो देखिए हमने एकदम परफेक्ट पानी डाला था, ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है और इतना ही काफ़ी है। अब मैं वापस इसे ढककर पका लूँगी। तो अब 12 मिनट कुल मिलाकर हो गए हैं और हमारा टेंडली बहुत बढ़िया से पक गया है। तो मैं आंच बंद कर दूंगी और ये देखिए फ्रेंड्स बिल्कुल अच्छे से पक गया है और इसके नीचे बहुत ही कम पानी जमा है, तो वो पानी को फेंकने की ज़रूरत नहीं है, उस पानी का भी उपयोग कर लेंगे। अब आंच को बंद कर देंगे। तो ये देखिए बहुत कम पानी ही है नीचे। तो चलिए इसे भी हम बाजू में रख देते हैं। अब हम मसाला पेस्ट बनाते हैं। तो यहाँ मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गर्म होते ही मध्यम आंच में हम इसमें डालेंगे बेड़गी मिर्च। तो आपको 9 मिर्च चाहिए, तो आपको बस इसका सर ऐसे तोड़कर इसमें डालना है। तो ऐसे सारे मिर्च के तोड़ देना और यहाँ पे डाल देना। अब हम धीमी आंच में कुछ सेकंड के लिए ऐसे मिला देंगे, बस कुछ सेकंड के लिए मिलाना है, उससे ज़्यादा मत मिलाना। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच धनिया के बीज, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच उड़द दाल, आधी छोटी चम्मच मेथी का दाना, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और 1 तार कड़ी पत्ते की। डाल दिया और आपको आंच धीमा ही रखना है।
अब हम आंच को मध्यम रख देंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। और ऐसे मिलाते रहिएगा ताकि सब इवेनली पक जाए। तो 1 मिनट हो चुका है, अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 कप ताज़ा कसा हुआ नारियल और 1/4 छोटी चम्मच हींग। अब इसे हम मिला देंगे और मध्यम आंच में 3 मिनट के लिए पकाएंगे। और ऐसे बीच बीच में लगातार मिलाइएगा ताकि जो नारियल है अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नारियल एकदम अच्छा रंग आया है। मैं आंच बंद कर दूंगी और इस मिश्रण को पूरी तरह से ठंडा होने का इंतज़ार करूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ये मध्यम आकार का मिक्सी जार लिया है। अब इसमें मैं ये पूरी तरह से ठंडा हुआ मिश्रण ऐसे सावधानी से डाल दूंगी, बिल्कुल ऐसे। अब हम इसे पहले पानी बिना मिलाए इसे पीस लेंगे, बिल्कुल ऐसे ही आपको पीसना है। ये देखिए, अब इसमें हम पानी डालेंगे, तो बस 1 ग्लास पानी ही डालना है, बिल्कुल ऐसे। अब ढक्कन लगाकर एकदम अच्छे से बारीकी से आपको इसे पीसना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसे ही आपको ये मसाला पेस्ट बनाना है। तो चलिए अब हम कडलई मनोली बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ मैं कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ। ये तेल मध्यम आंच में गर्म होते ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच राई। राई चटकते ही हम इसमें डालेंगे लहसुन हल्का सा कुचला हुआ, ये 6 लहसुन है, ज़्यादा नहीं कुचलना है आपको, बस हल्का सा। अब हम इसे कुछ मिनट के लिए ऐसे मिलाएंगे ताकि जो कच्ची खुशबू है वो चली जाए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 तार कड़ी पत्ते की। अब इसे भी हम ऐसे हल्का सा मिलाएंगे और आंच को धीमा रखेंगे। अब धीमे आंच में हम ये पेस्ट डालेंगे पिसा हुआ, बिल्कुल ऐसे। कुछ भी वेस्ट नहीं करना है दोस्तों, बस ऐसे ही डाल दीजिएगा। अब हम इसे ऐसे अच्छे से मिला देंगे, ज़्यादा नहीं मिलाना, बस ऐसे हल्का सा मिला देना। अब मैं क्या करूँगी, जो मिक्सी जार था उसमें थोड़ा मसाला था, तो उसमें मैंने 1/4 ग्लास पानी डाल दिया था और हाथों से मिक्स किया था, वो मैं यहाँ डाल रही हूँ। अब इसे भी हम अच्छे से ऐसे मिला लेंगे और आंच को धीमा ही रखना और ऐसे मिलाना। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच नमक। मैं इतना नमक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने शुरुआत से नमक नहीं डाला है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच गुड़। अब इसे हम बस हल्का सा मिला लेंगे कुछ सेकंड के लिए, मिलाते नहीं जाना है क्योंकि गुड़ पिघल जाएगा, तो बस हल्का सा मिला लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे उबले हुए चने और ये टेंडली, वो जो थोड़ा पानी था वो भी डाल दीजिएगा उसमें, जो पका हुआ पानी। अब हम बड़े हल्के हाथों से इसे ऐसे मिला लेंगे, मिला दिया। अब हम इसे ढककर मध्यम आंच में 3 मिनट के लिए पकाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं, बस 3 मिनट के लिए। तो 3 मिनट हो चुका है और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कडलई मनोली तैयार है, एकदम परफेक्ट बना है। मैं आंच बंद कर दूंगी और इसे हल्का सा मिला लूंगी और आप ये 15 मिनट के बाद ही गर्मा गर्म सर्व करना, तो ही इसका सब फ्लेवर्स जो है वो एनहेंस होएगा, यानी कि बढ़ेगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना और आपके अनुभव मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जितना हो सके शेयर करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना। देखने के लिए धन्यवाद।